प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं का विज्ञान अध्याय 11 कार्य तथा ऊर्जा की महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम देख रहे हैं। कार्य क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में जिस कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं, उनमें अंतर है। बात को स्पष्ट करने के लिए आइए कुछ उदाहरण पर विचार करें। आप एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके प्रयत्नों के बावजूद चट्टान नहीं हिलती। आप पूर्णतया थक चुके हैं, फिर भी आपने चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया क्योंकि चट्टान में कोई विस्थापन नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण है, आप अपने सिर पर एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं। आप थक जाते हैं, आपने प्रयास किया है तथा अपनी बहुत सी ऊर्जा व्यय की है, खर्च की है। क्या आप बोझे पर कुछ कार्य कर रहे हैं? हम विज्ञान में जिस प्रकार कार्य शब्द का अर्थ समझते हैं, उस रूप में इस स्थिति में कार्य नहीं किया गया है। विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते हैं और परिभाषित करते हैं, यह समझने के लिए आइए कुछ स्थितियों पर विचार करें। किसी सतह पर रखे एक गुटके को धकेले। गुटका कुछ दूरी तय करता है। आपने गुटके पर कुछ बल लगाया जिससे गुटका विस्थापित हो गया। इस स्थिति में कार्य हुआ। एक लड़की किसी ट्राली को खींचती है और ट्राली कुछ दूर तक चलती है। लड़की ने ट्राली पर बल लगाया और यह विस्थापित हुई, इसलिए कार्य किया गया। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाइए। ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। पुस्तक ऊपर उठती है, पुस्तक पर एक बल लगाया गया तथा पुस्तक गतिमान हुई, इसलिए कार्य किया गया। उपरोक्त स्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। पहला, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए तथा दूसरा, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती तो कार्य नहीं किया गया। विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से देखते हैं। जैसे हमने दीवार पर बल लगाया और दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ, इसका मतलब ये दो में से ये स्थिति नहीं हुई तो कार्य नहीं किया गया। विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है, इसे समझने के लिए पहले हम उस स्थिति पर विचार करते हैं जब बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो। मान लीजिए किसी वस्तु पर एक नियत बल F कार्य करता है। मान लीजिए कि वस्तु बल की दिशा में S दूरी विस्थापित हुई और माना कि किया गया कार्य क्या है, W है। तो कार्य की परिभाषा से कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, तो कार्य W, बल F और विस्थापन S। अतः किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा कार्य किया गया कार्य। बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब मान लो कि हमने क्या करा, एक वस्तु है, ये वस्तु है और इसके ऊपर हमने क्या करा, इस दिशा में बल लगाया और इसी दिशा में क्या हो रहा है, उसमें विस्थापन हो रहा है। तो जिस दिशा में बल लगा उसी दिशा में विस्थापन हुआ, तो यहां पर किया गया कार्य होता है धनात्मक कार्य, बोलते हैं इसको। तो यहां पर देख लिए हम
कार्य की परिभाषा से किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अतः किसी वस्तु पर लगने वाला बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसके ऊपर बल लगाया और इसमें विस्थापन इधर ही होता है, और मान लो इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है, एस है, तो कार्य बराबर बल एफ जो लगाया गया और जितनी दूरी ये वस्तु चली वो विस्थापन एस, तो ये हो गया बल बराबर कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। कार्य का मात्रक एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर। देखो बल का मात्रक एसआई मात्रक न्यूटन, और ये दूरी का मात्रक है मीटर, तो न्यूटन मीटर इस सूत्र से। और कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, और सीजीएस में क्या होगा, कार्य का मात्रक अर्घ, और ये सीजीएस में क्या होगा, न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन और मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर। अतः एक जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है। अब देखो ये परिभाषा कहाँ से निकाल रहे हैं अपन, कार्य का एसआई मात्रक जूल, ये हो गया जूल, ये हो गया न्यूटन, और ये हो गया मीटर। अतः एक जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब एक न्यूटन का बल, एक न्यूटन का बल एक मीटर दूरी विस्थापित हो। एक न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में एक मीटर विस्थापित करे, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में एक मीटर विस्थापित करे, और यदि बल का मान एक न्यूटन हो तो किया गया कार्य क्या होता है, एक जूल होता है। एक स्थिति पर विचार करें जिसमें कि एक समान वेग से किसी नियत दिशा में वस्तु गति कर रही है और उस पर विपरीत दिशा में एक अवमंदक बल। अब देखो यहां पर विपरीत दिशा में मतलब क्या हुआ, वस्तु पर बल जो है इधर की दिशा में नहीं लग रहा है, वस्तु पर बल ऐसा लग रहा है, वस्तु गति इस दिशा में कर रही है पर बल इधर से लग रहा है, तो क्या होगा, जब वस्तु गति कर रही है इस दिशा में और बल विपरीत दिशा में लग रहा है तो धीरे धीरे इसकी गति कम हो जाएगी, वेग कम हो जाएगा और अंत में जाके ये रुक जाएगी। तो ये बल क्या कर रहा है, इस वस्तु की गति को कम कर रहा है, धीरे धीरे कम करता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन अवमंदक बल, जो वस्तु की गति को कम करता जाए। एक स्थिति पर विचार करें जिसमें कि एक समान वेग से किसी नियत दिशा में गति कर रही और उस पर विपरीत दिशा में एक अवमंदक बल एफ जो वस्तु की गति को कम करता है आरोपित किया जाता है, अर्थात दोनों दिशाओं के बीच 180 अंश का कोण बनता है। देखो वस्तु गति इस दिशा में कर रही है और विस्थापन बल जो लग रहा है विपरीत दिशा में, तो ये दोनों की दिशाओं में कितना अंतर है, 180 अंश का कोण का अंतर है। ऐसी स्थिति में बल एफ द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है और इसे ऋण चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, यहां पर बल एफ गुणित ये विस्थापन हो गया ऋणात्मक, या यहाँ पर बल को ऋणात्मक ले सकते हैं और विस्थापन धनात्मक ले सकते हैं। जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। बल क्या हो रहा है, विस्थापन की दिशा के विपरीत, विस्थापन इधर हो रहा है और बल कहाँ पर लग रहा है, हम इधर लगा रहे हैं, तब जब दोनों दिशाएं विपरीत होगी तो किया गया कार्य ऋणात्मक। और इस वाले केस में जब हम बल भी इसी दिशा में लगा रहे हैं और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, तो बल और विस्थापन की दिशा एक समान है, तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक कार्य। जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। किसी ऊर्जा शब्द का प्रयोग प्रायः हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है, किंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित और परिशुद्ध अर्थ है। आइए निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है, ये स्थिर विकेट कौन से हैं, जो बैट्समैन के पीछे तीन डंडे गड़े रहते हैं उनको बोलते हैं अपन विकेट। तो जब गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं तब उसमें कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है। आपने अवश्य देखा होगा कि ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। हमने बच्चों को खिलौनों
जैसे खिलौना कार में चाबी भरते भी देखा है, और जब यह खिलौना किसी फर्श पर रखा जाता है तो यह गति करने लगता है। जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। यदि हम गुब्बारे को कम बल लगाकर दबाते हैं तो बल को हटा लेने पर वो अपनी मूल आकृति में वापस आ सकता है, किंतु यदि हम गुब्बारे को अधिक बल से दबाएं तो यह विस्फोटक ध्वनि करते हुए फट भी सकता है। इन सभी उदाहरणों में वस्तुएं विभिन्न प्रकार से कार्य करने की अर्जित कर लेती हैं। कार्य करने की ऊर्जा अर्जित कर लेती है। यदि किसी वस्तु में कार्य की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। यहाँ लिखूं मैं, जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। दूसरी वस्तु क्योंकि कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है इसलिए कुछ कार्य कर सकती है, और इस प्रकार यह गति में आ सकती है। इस प्रकार पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, इसका अर्थ हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती है। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसके कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का, अर्थात जूल। ये एसआई पद्धति का मात्रक है जूल, और सीजीएस में होता है अर्ग। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित होती है। परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। उपरोक्त परिस्थितियों में वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। यदि यह वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में नहीं आती है तो वस्तु कार्य करने के लिए स्थिति प्राप्त कर लेती है। किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर अने घंटा क्या तात्पर्य है? मान लीजिए हमारे पास एक मशीन है जो 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा उपयोग में लाती है। 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा उपयोग में लाती है। यदि इस मशीन को लगातार 1 घंटे तक उपयोग में लाएं तो यह 1 किलोवाट ऊर्जा, ये 1 किलो होता है, 1000 मतलब 1 किलो जूल। देखो 1000 जूल मतलब 1 किलो जूल, किलो का मतलब होता है 1000। तो यदि इस मशीन को लगातार 1 घंटे तक उपयोग में लाएं तो यह 1 किलोवाट ऊर्जा को व्यय करेगी। इस प्रकार 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत, 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होगी। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा को ही हम अपने घरों में लगे विद्युत मीटर में 1 यूनिट के रूप में देखते हैं। तो आपने देखा ये कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय 11 कार्य तथा ऊर्जा की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जिस प्रकार मैं आपको ये परिभाषाएं बता रहा हूँ उसी प्रकार कक्षा 9वीं विज्ञान में बहुत सारे क्रियाकलाप है, उन सभी क्रियाकलाप को मैं 1 बाय 1 करवाऊँगा, पर अभी उनके लिए आवश्यक उपकरण लॉकडाउन की स्थिति में नहीं इकट्ठे कर पा रहा हूँ। तो जब लॉकडाउन हट जाएगा तो 1 बाय 1 क्रियाकलाप करवाऊँगा सभी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।